स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो जो हमारी दिसंबर वाली यूनिट है फिलहाल, वो कर रहे हैं हम। तो उसमें से जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट, वो हम कर चुके हैं, ये वाला पार्ट। आज से हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट इसका शुरू करेंगे। इसी यूनिट का हिस्सा है ये भी। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, फिर उसमें देखेंगे नीड ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, लैन, मैन, वैन। ठीक है, यहाँ तक करेंगे आज। तो चलते हैं नोट्स पे सीधा। व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क? देखो, नेटवर्क का सिंपल मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क भूल जाओ अभी, खाली नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है हिंदी में जाल तंत्र। ठीक है, जैसे जाल होता है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो नेटवर्क का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क? बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो क्या लिखोगे इसकी डिफिनेशन? कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसा ग्रुप, ऐसा कंप्यूटर का ग्रुप जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हों। देखो, अगर एक कंप्यूटर होगा तो नेटवर्किंग कर ही नहीं सकता वो। भी नेटवर्किंग के लिए कम से कम दो कंप्यूटर तो चाहिए ना एक दूसरे से जुड़ने के लिए। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का वो ग्रुप जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फॉर किस चीज़ के लिए जुड़ा हुआ है? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना साझा करने के लिए, एंड रिसोर्सेज, संसाधनों को शेयर करने के लिए। फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, ये लाइन बिल्कुल आनी चाहिए डेफिनेशन में, क्योंकि हम जो कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क हम इसीलिए तो बनाते हैं ताकि हम सूचना एक दूसरे से साझा कर सकें और रिसोर्सेज एक दूसरे से साझा कर सकें। रिसोर्सेज यानी संसाधन। संसाधनों का मतलब होता है, जैसे कई बार हम क्या कर देते हैं, जैसे हमारी लैब है, लैब में मैं सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ के और सिर्फ एक प्रिंटर से जोड़ दूँ, यानी कि जिसको भी प्रिंट करना है वो उस प्रिंटर से अपना प्रिंट कर सकता है, वो प्रिंटर सभी के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिसोर्सेस शेयर करना। ओके, तो अब चलते हैं आगे। जैसे एक ग्रुप बना के दिखा दिया, ये एक क्या बन गया, एक सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन गया, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बन गया। नीड ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली जो मेन ज़रूरत पड़ी वो किस लिए पड़ी? फाइल शेयरिंग, कोई फाइल शेयर करनी हो। अब जैसे इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्किंग की तो है भाई। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि दुनिया के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हो। हम कहीं, ठीक है, हम कहीं पे कुछ भेजना चाहें भेज देते हैं, जैसे फाइल शेयरिंग। अब मेल भेजते हैं हम, वो क्या है, नेटवर्किंग की तो है, नेटवर्क के थ्रू तो भेजते हैं हम, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, फाइल शेयरिंग, फाइल शेयर करना, यानी कि कोई फोटो शेयर करना हो, कोई गाना शेयर करना हो, कोई मूवी शेयर करनी हो। ठीक है, व्हाट्सएप क्या है, एक नेटवर्किंग साइट है, उस पर भी हम फाइल शेयर करते हैं। तो नेटवर्किंग का सबसे बड़ा और सबसे मेन यूज़ क्या होता है, फाइल शेयरिंग। अपनी जो फाइल है, किसी से किसी को भेजनी हो या किसी से कोई फाइल मंगानी हो, फाइल कुछ भी हो सकती है, कोई फोटो हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो सकता है, वीडियो, ऑडियो। ठीक है, हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग का मैंने एग्जाम्पल बताया तुमको कि एक प्रिंटर जो है सभी ने शेयर कर रखा है पूरी लैब में, और उसी प्रिंटर से हम कंट्रोल पी मार के अपना प्रिंट निकाल सकते हैं कोई भी कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर शेयरिंग हो गया। अब चलते हैं तीसरा, एप्लीकेशन शेयरिंग। देखो, अब जो गूगल प्ले स्टोर से तुम ऐप डाउनलोड करते हो, ठीक है, वो ऐप तो एक ही है, ठीक है, जिस कंपनी ने वो ऐप बनाई है, लेकिन उसको यूज़ कितने आदमी करते हैं। ठीक है, अब जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है ना, व्हाट्सएप ऐप है एक, उस ऐप को कितने आदमी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नेटवर्किंग का ही तो काम है ना, एप्लीकेशन शेयरिंग, यानी कि ऐप्स को शेयर करना। कम्युनिकेशन, संचार, संचार का माध्यम है एक नेटवर्किंग। अब जब कंप्यूटर में, मेरे पास मान लो कंप्यूटर में नेट नहीं है, तो मैं किसी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास नेटवर्किंग नहीं है। जैसे ही मेरे कंप्यूटर में मैंने नेट चला दिया, मेरे पास नेटवर्किंग आ गई, मैं दूसरे कंप्यूटर से जुड़ गया, तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ऑनलाइन गेम्स, अब ऑनलाइन गेम्स भी चले हुए हैं, जैसे पबजी है, ठीक है, लूडो है, लूडो भी कई आदमी दूर दूर बैठे हुए होते हैं और लूडो खेल लेते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वो क्या है, ऑनलाइन गेम्स हैं। बैकअप सपोर्ट, अब जैसे
मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में जितना भी डाटा है उसका मैंने अपनी गूगल ड्राइव में बैकअप ले रखा है कि कल को अगर मेरा कंप्यूटर खराब हो जाए तो मेरा डाटा मेरे को ऑनलाइन जो है जो स्टोर हो रहा है गूगल के ड्राइव पे वो मिल जाए, तो बैकअप के लिए भी नेटवर्किंग यूज़ होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले हैं, और जैसे ही हमारे पास नेट आ गया हम सभी से जुड़ गए। ठीक है, तो ये थी नीड ऑफ नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग किस किस टाइप की होती है, देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क तीन पढ़ने हैं हमको, लैन मैन वैन। लैन हो गया बेटा फुल फॉर्म, 100% आएगी एग्जाम में, क्वेश्चन भी आ सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन इज मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क टाइप, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क का टाइप कौन सा है, लैन। इट इज यूज फॉर लोकल कम्युनिकेशन, दो इसके नाम में लोकल आ गया तो हम इसको लोकली यूज करते हैं लोकल कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि लोकली कुछ थोड़े से कंप्यूटर 10-12 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लोकली कौन सा टाइप यूज करते हैं, लैन। लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर इन ए स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया में कंप्यूटर्स को जोड़ सकता है लैन, जैसे कि किसी रूम में हो 5-6 कंप्यूटर, या फिर अपनी लैब की तरह हो 10-12 कंप्यूटर, या फिर किसी ऑफिस में हो। तो क्या होता है, एक लैन केबल आती है, ठीक है, यानी कि एक वायर आती है, उस वायर के कई माउथ होते हैं, कई मुंह होते हैं। ठीक है, तो उस क्या करते हैं हम, हर एक कंप्यूटर के पीछे लैन पोर्ट होता है, अब लैब में आओगे जब दिखाऊंगा, लैन पोर्ट पीछे की साइड होता है, और अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, ट्राई करता हूँ अभी, रुको। देखो ऐसा इस टाइप से कंप्यूटर के पीछे तुमने देखा होगा कभी, इस टाइप से, जैसे कि ये है, ये देखो पीछे एक ऐसा पोर्ट है। ठीक है, जैसे यूएसबी है ना, यूएसबी पोर्ट होता है जहाँ पे तुम माउस और कीबोर्ड जोड़ते हो, इसी तरह एक लैन पोर्ट भी है ऐसा, उसमें हम लैन केबल को जोड़ देते हैं, उस लैन केबल को सभी 10-12 कंप्यूटर्स में जोड़ देंगे, सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़ जाएंगे, शेयर कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, उनका नेटवर्क बन गया एक, वो आपस में सारे जुड़ गए, तो लैन का मतलब है लोकल आ गया, तो यानी कि छोटे एरिया में यूज करने के लिए 10-12 कंप्यूटर्स पे। अब आ जाओ मैन, अब लैब से बाहर निकलो। ठीक है, मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है एक कस्बा कह लो चाहे शहर कह लो। मैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड ओवर ए सिटी, मैन जो नेटवर्क है वो क्या है, एक शहर के जितने एरिया में फैला होता है। इट कैन कनेक्ट कंप्यूटर इन ए सिटी, यानी कि जैसे झज्जर में है, झज्जर में मान लो दो लैब हैं अपनी, ठीक है, एक है गर्ल्स स्कूल में, एक है बॉय स्कूल में, झज्जर में वो दोनों लैब आपस में जोड़नी है, तो क्या करेंगे हम वहाँ पे मैन यूज करेंगे, क्योंकि लैन तो यूज होगा नहीं। अब वायर, वायर को कहाँ तक लेके जाओगे तुम, अब एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक तो हम तार लेके नहीं जा सकते ना, रोज को कोई ना कोई उसको तोड़े मिलेगा तार को, जैसे केबल वाले तंग होते हैं ना, इनके खंभों पे कोई बंदर ने तोड़ दिए तार, किसी ने तोड़ दिया है, तो यहाँ पे तारों का मतलब नहीं होता। ठीक है, वैसी तार नहीं होती, लैन वाली तार नहीं होती, इसमें क्या होता है, एक अभी दिखाऊंगा तुमको, द कंप्यूटर्स इन ए मैन आर कनेक्टेड यूनिक को एक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग वायर आती हैं। ठीक है, अमूमन ये वायर जमीन के नीचे से ले जाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अब जियो फाइबर आया हुआ है, जियो फाइबर का नेट बहुत तेज है। ठीक है, और को एक्सियल केबल, यानी कि मैन में हम क्या करते हैं, हो तो होगा वायर यूज, लेकिन मैंने जैसे बताया एग्जाम्पल दिया था, जैसे केबल वाले है ना, केबल टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन। अब केबल वाले देखो एक शहर में होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपनी केबल को लेके जाते हैं। ठीक है, यानी कि वायर यूज करते हैं, पूरे शहर में होता है, लेकिन उसका घाटा क्या है, केबल वाले क्या करते हैं, ऊपर से लेके जाते हैं तारों को, वो टूटती रहती हैं। लेकिन जो तुम हमारी नेट वाली जो आता है, जैसे BSNL का ब्रॉडबैंड आता है, ठीक है, एक शहर के लिए, एक शहर में सारे जो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, वो क्या होता है, जमीन के नीचे से लेके जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी वायर यूज होती हैं, मैन में को एक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, मैन ऑल्सो कनेक्ट सेवरल लैंस, देखो ये तो हो ही सकता है,
मैन क्या करता है, कई सारे लैंस को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। यानी कि एक शहर में तीन चार लैब हैं, तो उन सभी को आपस में कौन जोड़ देगा, मैन, ठीक है। तो सिर्फ अभी इतना सोच के चलो कि मैन क्या है, एक सिटी में फैला हुआ है। अब आ जाओ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक सिटीज कंट्रीज, यानी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से एक राज्य से दूसरे राज्य, इवन एक देश से दूसरे देश, क्योंकि इसमें वायर का काम नहीं है, इसमें वाईफाई का काम है। डब्ल्यू आ गया ना, वैन यूजेस वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जैसे कि अब इंटरनेट है, इंटरनेट में वायर यूज नहीं करते ना, हम अपने फोन से चलाते हैं, तो वो क्या है, एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी कि बड़े एरिया का, वाइड एरिया, बहुत ही बड़े एरिया का नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे छोटा लैन एक लैब तक सीमित है, फिर आ गया मैन एक शहर तक सीमित है, फिर आ गया वैन जो कि बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ देता है जैसे दिल्ली मुंबई को, या फिर बड़े बड़े राज्य को जैसे हरियाणा को, राजस्थान को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज को आपस में, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों वायर्ड कनेक्शन है, यानी कि वायर यूज होती हैं, और इसमें ये वायरलेस कनेक्शन है। तो कोई पूछ लेगी भाई मैन में कौन सी केबल यूज होती है, तो कौन कौन सी होती हैं, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे नई है, सबसे ज़्यादा स्पीड है नेट की इनमें, इनमें इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है जियो फाइबर। ओके थैंक यू, यही करना है आज।